उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगने जा रही है। गोमती नगर इलाके में स्थित इस पार्क को पहले से ही लंदन के हाइड पार्क के रूप में विकसित किया गया है। अब इस पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने 18.50 करोड़ रुपए की लागत से वाटर लेजर शो का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वाटर स्क्रीन के साथ साथ मोशन थिएटर का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर LDA का दावा है कि करीब एक महीने में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। पार्क में वाटर स्क्रीन पर ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दिखाया जाएगा, जिससे पर्यटक भारतीय इतिहास को समझ सके। यूपी दर्शन के तहत प्रदेश के तमाम ऐतिहासिक स्थलों को बेहद रोचकता के साथ प्रदर्शित किया जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि वाटर स्क्रीन क्या है। वाटर स्क्रीन में पानी सतह पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दृश्यों को दिखाया जाता है। इसमें फिल्म हवा में तैरती हुई प्रतीत होती है। पानी के पर्दे पर तस्वीरों का दिखना दर्शकों के लिए काफी सुखद होता है। वाटर स्क्रीन को कई देशों के समुद्र, जलाशयों, स्विमिंग पूल और पार्कों आदि में लगाई जाती है। लखनऊ में इस इको फ्रेंडली पार्क में 100 मीटर लंबी पानी की फवारों की स्क्रीन पर विष्णु के दशावतार और समुद्र मंथन का नजारा आप देख सकेंगे। इसके लिए 500 सीटों का प्रबंध किया जाएगा। यही नहीं, पार्क में 3.50 करोड़ रुपए की लागत से मोशन चेयर थिएटर भी बनाया जाएगा। इसमें 40 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। मोशन थिएटर विकसित होने के बाद आप यहां पर 7D फिल्मों के साथ साथ रामायण और महाभारत से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंग को भी देख सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 376 एकड़ में फैले लखनऊ के इस जानेश्वर मिश्रा पार्क को करीब 168 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पार्क माना जाता है। इस पार्क का नाम समाजवादी नेता जानेश्वर मिश्रा के नाम पर रखा गया, जिन्हें छोटा लोहिया भी कहा जाता है। सरकार के इस फैसले से इस पार्क का पहले की तुलना में और अधिक विकास और सौंदर्यीकरण हो सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए बातें यूपी की।